चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा टू कलर का ये बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा स्वेटर है ये, मैंने 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। फुल बाजू है और कॉलर वाला गला बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो इस स्वेटर का आज हम पार्ट 1 बनाएंगे। पार्ट 1 में देखिए, मैं इसके बैक पार्ट को बनाना बताऊँगी, कितने ऊन और हेल्थ के हिसाब से कितने फंदे लें, कितने बॉर्डर में फंदे डालें, कैसे डिजाइन एडजस्ट करें, कितनी इसकी लेंथ रखें, कैसे हम इसका कितनी लेंथ बनाने के बाद फिर हम इसकी कितनी आर्म होल की घटाई करें और इसको बनाएंगे फर्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में हमारा ये पार्ट 1 रहेगा, बैक पार्ट। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। बुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी पार्ट मैं इसके स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए स्वेटर बुनना शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर का पार्ट 1 बनाना बताऊँगी। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए हम ये स्वेटर बनाएंगे। तो इसको मैंने 3 तार वाली इस 3-ply वूल से बनाना शुरू किया है, जो जिसके अंदर ये 3 तार होते हैं, और मैंने इसके अंदर 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इसके बॉर्डर में मैंने 63 यानी 63 फंदे मैंने डाले हैं। फंदे ऐसे डिजाइनर डाले हैं, इस तरह से 63 फंदे डाल के और 10 नंबर की सिलाई से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 सिलाइयाँ मैंने दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बना के, 6 सिलाई सीधी तरफ से और 6 उल्टे तरफ से, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए इस बॉर्डर को मैंने बनाया है। 3-ply की वूल में मैंने इसमें 63 फंदे डाले हैं यानी 63 फंदे। अगर आप इसी स्वेटर को 6 महीने से 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बुनना चाहते हैं, जैसे ये नॉर्मल वूल होती है, इसके अंदर आप 4 फंदे इससे ज़्यादा डाल लीजिएगा। जैसे इसके अंदर 63 हैं तो इसके अंदर आप 67 यानी 67 फंदे आप डाल सकते हैं। बॉर्डर में 11 नंबर सिलाई लगाइएगा और ऊपर पूरे पार्ट में 10 नंबर की सिलाई से आप इसको बुनिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसमें फंदे डालना, बॉर्डर बनाना, डिजाइन कैसे एडजस्ट करें, किस तरह से डिजाइन बनाएं और इसकी आर्म होल की घटाई कैसे करें, इसकी लेंथ कितनी रखें और आर्म होल की घटाई करने के बाद ऊपर के पार्ट को कितने इंच तक बनाएं, ये आज मैं आपको इसमें बनाना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है, थोड़े फंदे डाल के मैं आपको इसी डिजाइन को बनाना बताऊंगी। आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं, मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों का बनाया है। आप बनाना चाहें तो ये उल्टे उल्टे फंदों का बॉर्डर भी आप बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। ये हमारे स्वेटर का बैक पार्ट है, पार्ट 1 है। तो इसी तरह से आप फंदे डालिए। इस डिजाइन के लिए आप फंदे यहाँ पर 4 के मल्टीपल डालेंगे और 3 फंदे प्लस करेंगे। जैसे पहले 4 गिनिएगा, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो ये डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। और बॉर्डर बनाने के बाद जब आप इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे तो ये डिजाइन हमारा राइट साइड से बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो से ही बनना शुरू होगा। 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाता है, क्योंकि हमने इस डिजाइन की जगह को चेंज करना होता है। तो देखिए, 3 फंदे, 1, 2, 3, 3 फंदे हम बुनेंगे, फिर से 1 फंदा हम बगैर बुना उतार लेंगे। इन्हीं ही 4 फंदों को हम लास्ट तक रिपीट करते जाएंगे। 4 फंदों का ही डिजाइन है, 1, 2, 3, फिर से इसमें स्लिप करेंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और इस स्वेटर के सभी पार्ट मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करती रहूंगी, आप चैनल पर बने रहिए। तो ये तीन फंदे लास्ट के इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये फंदे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हो, तीन बनाइएगा एक स्लिप कीजिएगा, तीन बनाइएगा एक स्लिप कीजिएगा, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। और यही ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में भी आपके तीन फंदे सेकंड कलर के हैं और लास्ट में भी आपके तीन फंदे सेकंड कलर के हैं। अब आ जाइए सेकंड रो में। यहाँ पर देखिए इस ये जो बुने हुए फंदे हैं इनको बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से एक दो तीन, इसको फिर से स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे। तो दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई में। चार सिलाइयाँ हमारी बेस कलर से बनेंगी और चार ही सिलाइयाँ हमारी ये सेकंड कलर से बनेंगी। अब फिर फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे, तीन फंदे बुनेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और इसके अंदर बगैर धागा घुमाए हुए हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा, डबल धागा नहीं चलेगा इसके अंदर। जितनी वूल हमारी सिर्फ उल्टा सीधा स्वेटर बुनने में लगती है, सिर्फ इतनी ही ऊन में ये बनके हमारा तैयार हो जाएगा और बनने के बाद एकदम रेडीमेड लुक लेके आएगा हमारा ये स्वेटर, बहुत ही प्यारा सा बनेगा। फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे। तो देखिए तीन सिलाइयाँ हमारी बन गई इस तरह से। अब जब चौथी सिलाई को हम बनाएंगे उल्टी तरफ से, तो यहाँ से इस सिलाई को सीधा बुनेंगे हम, तीन फंदे सीधे, इस तरह से तीन फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये बगैर बुना फंदा इसको स्लिप कर लेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे। सभी फंदे सीधे बनते जाएंगे जो बुने हुए हैं और बगैर बुने फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये हमारे डिजाइन की रोंग साइड से चौथी सिलाई है। डिजाइन हमारा चार ही सिलाइयों का है, सिर्फ जगह चेंज करेंगे तो फिर से हम चार सिलाइयाँ बनाएंगे तो आठ सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। धागे को पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे। तो ये डिजाइन की चार सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। अब देखिए पांचवी सिलाई में हम क्या करेंगे, अब हम बेस कलर लगाएंगे पांचवी सिलाई से। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेन इसी सिलाई पे जो ये तीन फंदे अब यहां पर आपको उल्टे नजर आते हैं, तो बीच वाले को हम स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, एक दो तीन, तीन बुन लिए, फिर इसको स्लिप करेंगे बीच वाले को। अब ये एक ये बीच में जो ऑरेंज है दोनों तरफ वाइट है, इन तीन को हम सीधा बना लेंगे। सेम अब वैसे ही बनाया जाएगा जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, लास्ट का फंदा फिर से बनाएंगे। तो ये डिजाइन की पांचवी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब छठी सिलाई को देखिए, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, बुने हुए फंदे हम बुन लेंगे,
इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे। जैसे हमने दूसरी सिलाई को बुना था ऐसे ही छठी सिलाई को बुन लेंगे। इतना इजी डिजाइन है कि आप इसको जल्दी जल्दी बना के कंप्लीट कर लेंगे। पहले आप डिजाइन को थोड़े से फंदों में डाल के बना के देखिएगा, फिर आप स्वेटर को बुनना शुरू कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बुनने में, बहुत ही इजी सा डिजाइन है। किसी भी कलर में आप बनाइए, बहुत ही प्यारा सा ये बन के आएगा। इसको स्लिप करेंगे, फिर से इसको बनाएंगे। तो छह सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सातवीं सिलाई और सीधी तरफ। अब सातवीं सिलाई को फिर से तीसरी सिलाई की तरह ही बनाएंगे। बुने हुए फंदे सीधे बना लेंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए को बना लेंगे। तो ये तीन फंदे सीधे, इसको स्लिप करेंगे, ऐसे ही करते हुए इस सातवीं सिलाई को बुन लेंगे। तो ये सातवीं सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ जाइए आठवीं सिलाई। आठवीं सिलाई को फिर से चौथी सिलाई की तरह बुनेंगे। जो फंदे अब ये यहाँ से हमको पूरी सिलाई को सीधा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, सीधा धागा अपनी तरफ। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से बुने हुए फंदे सभी सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको फिर से स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे। तो ऐसे ही करते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया। ये आठ सिलाइयों का डिजाइन था और ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से ऐसे ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट रो बनाई थी। इसको मैं एक बार आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम बुनने में नहीं होगी। तो जैसे फर्स्ट रो में बनाए थे तीन फंदे सीधे, इसको स्लिप करेंगे बीच वाले को, फिर से तीन फंदे सीधे, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, फिर से स्लिप करेंगे, लास्ट के फिर से तीन फंदे सीधे। दोबारा से डिजाइन मैंने ये आपको स्टार्ट करके दिखा दिया है। अब आप ऐसे ही आगे बुनते जाइएगा और सेम ऐसे ही डिजाइन आपका बन जाएगा। तो ये डिजाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब देखिए इसकी मैंने लेंथ को कंप्लीट किया हुआ है। जैसे मुड्ढे की घटाई करेंगे जहाँ तक, तो ये डिजाइन की अगर हम काउंट करें डिजाइन को, तो देखिए डिजाइन काउंट करेंगे कितने बने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। दस डिजाइन हमारे ये लाइन में बने हैं। और इसको मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये पूरी हमारी 9 इंच बन के तैयार हुई है। 9 इंच के बाद अब हम इसकी मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो अब जो हमारा ये 10वां डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। और अब ये जो बेस कलर का धागा है इसको मैंने कट कर दिया। अब हम इसके ऊपर के पार्ट को वाइट से बनाएंगे। तो अब मुड्ढे की घटाई करने से पहले ये पूरी सिलाई हम वाइट से सीधी सीधी बुनेंगे, बैक से पूरी को उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो दो सिलाइयां हम ये वाइट से ही बना लेंगे सभी फंदे बुनते हुए। 10 डिजाइन पूरे बनाने के बाद 11वां डिजाइन शुरू हो चुका था, तभी से ही हमने ये धागे को कट किया। और अब पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, बैक साइड से उल्टा बना के दो सिलाई ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दो सिलाइयाँ मैंने बुन ली है, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। अब देखिए हम इसकी मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो हम यहाँ पर तीन फंदे की घटाई करेंगे स्टार्टिंग में। तो दो फंदे यहाँ पे लेंगे और दो से का एक बनाएंगे, फिर इसको वापस इसी सिलाई पे लेंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके फिर से तीन का दो का एक करेंगे। तो ये हमारी तीन फंदे की कटाई हो गई। धागा पीछे करेंगे, अब पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे लास्ट तक।
ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। तो यहाँ पर तीन फंदे की घटाई हो गई है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से तीन की घटाई करेंगे बैक साइड से। यहाँ पर हमारी सीधी तरफ से घटाई होगी और यहाँ से हमारी उल्टी तरफ से। तो दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक बनाएंगे। तो ये तीन फंदे की घटाई हुई। अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेंगे, ऐसे लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो यहाँ पहले हमने तीन की घटाई की थी, अब हम दो की घटाई करेंगे। तो दो का एक फंदा बनाएंगे, फिर इसी फंदे को वापस इसी पे लेंगे, एक फंदे की घटाई हो गई, अब फिर से दो का एक करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी दो फंदे की घटाई हो गई, धागा पीछे करेंगे और फिर पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा आगे बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से फिर हम दो की घटाई करेंगे, तो दो का एक बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। तो पहले यहाँ पे तीन की घटाई की, अब दो की। अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेंगे। तो इसी तरह से इसको पूरी को उल्टा उल्टा आगे तक बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए तीन फंदे की घटाई हो गई, दो की हो गई, यहाँ से भी तीन की हो गई और दो की हो गई। अब करेंगे एक फंदे की घटाई, तो दो का एक बनाएंगे ऐसे। अब धागा पीछे करेंगे, अब फिर पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ पर तीन की घटाई हो गई, दो की। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से एक की घटाई करेंगे, तो दो का एक बनाएंगे। अब फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए दोनों तरफ से हमारी ये घटाई तीन, दो और एक, इस तरह से ये घटाई हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से भी तीन, दो, एक और यहाँ से भी तीन, दो, एक की घटाई हो गई। छह फंदे यहाँ से घट गए, छह यहाँ से। तो जो फंदे अब हमारे बचे हैं, इन्हीं को बुनते हुए हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी इसकी लेंथ हमारी बन के आएगी। तो इसको बना लेते फिर आगे दिखाऊंगी। तो ये मुड्ढे की लेंथ हमारी बन के कंप्लीट हुई। देखिए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको आपको इसको नाप करके दिखा देती हूँ। ऐसे लंबाई में अगर इसको नाप करेंगे तो ये 5 इंच है। अगर इसको ऐसे यहाँ से राउंड में अगर इसको ऐसे नापेंगे इस तरह, तो ये पूरा 5.5 इंच है। तो इसकी मुड्ढे की लंबाई हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कम्प्लीट हुआ। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर फ्रंट के पार्ट बनाएंगे। जब इसके यहाँ से मुड्ढे ज्वाइंट करेंगे तब इसका हम गला बीच में से बना लेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसमें फंदे डालना, बॉर्डर बनाना, डिजाइन को एडजस्ट करना, किस तरह से डिजाइन को डालें, कितने फंदे लें, कौन सी ऊन में कितने फंदे लेने चाहिए, मुड्ढे की लेंथ कितनी रखें और मुड्ढे की घटाई कैसे करें, ये मैंने आपको इस फर्स्ट पार्ट में बनाना बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं इस स्वेटर के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।